अपनी लंबित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को पंचायत सचिव सहायक सचिवों ने एकजुटता दिखाई है। दोपहर में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए पंचायत कर्मियों ने रैली निकालकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के बाल मुकुंद पाटीदार ने बताया, प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाले पंचायत सचिवों सहायक सचिवों की जायज मांगे लंबे समय से लंबित है। इन्हें मनवाने के लिए समय समय पर धरना रैली ज्ञापन दे रहे हैं। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी मांगे एक निर्धारित समय अवधि में यदि नहीं पूर्ण होती है तो हमारे प्रदेश स्तर से जैसा भी आह्वान आएगा संयुक्त रूप से सभी संगठनों के अध्यक्षों उनकी ओर से, उसके पश्चात हम प्रदेश स्तर पर एक रैली या ज्ञापन निकाल कर वहीं जो भी हमारा आंदोलन वगैरह जो होगा वहीं से प्रारंभ किया जाए। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहले हमारा विभाग में संविलियन किया जाए और दूसरे सातवें वेतन मान के और तीसरी पदोन्नति की मांग है। राजेंद्र मकवान है, जिला अध्यक्ष पंचायत संगठन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।